Hey guys, welcome back to my channel, and now we will study business organization unit first from BBA subject. So the first topic of this unit is business. What is business? An organization where goods and services are exchanged for one another for money is called business. कोई भी ऐसी organization जहाँ पे हम goods and services का exchange कर रहे हैं in terms of money, उसको हम business कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस कंसेप्ट. अब बिजनेस कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज़ अ स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब द रीच एंड रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ गिवन बिजनेस आइडिया. बिजनेस कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या रीज़न है और क्या वो हमारे आइडिया को एग्जिस्टेंस में ला रहा है या नहीं ला रहा. नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस का मतलब हमें समझ में आ गया, तो बिजनेस का नेचर क्या है, हम किस तरह से बिजनेस करते हैं, क्यों बिजनेस कर रहे हैं, हमारा क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं. तो सबसे पहले डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. जो बिजनेस हमारा होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज में ही डील करते हैं. बिजनेस के अंदर इसमें क्या होता है, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें या तो हम सेल करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, या फिर हम एक्सचेंज करते हैं. रिक्वायर इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली हमें हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. एम सेट अर्निंग प्रॉफिट. हमारा एम होता है बिजनेस के अंदर कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है. इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम. जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होगा और अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम भी बनी रहेगी. अब इसके स्कोप क्या होते हैं, हमारा बिजनेस का क्या स्कोप है? दो तरह से हमारे बिजनेस का स्कोप होता है, इंडस्ट्री में और कॉमर्स में. हमारा नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री. इंडस्ट्री रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरिंग. जहाँ पे हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, फ्रॉम रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड. अब इंडस्ट्री के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री क्या कहता है, इट इज़ रिलेटेड टू रिप्रोड्यूसिंग, ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पाइसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल. इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली जैसे हम प्लांट को ग्रो करते हैं या फिर एनिमल की देखभाल करते हैं और उनको फर्दर हम सेल करने में यूज़ करते हैं, तो ये हमारी इस तरह जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाती है. दूसरा आता है हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या कहती है, इसमें हम करते हैं एक्सट्रैक्शन और ड्रॉइंग आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे हम जैसे माइनिंग करते हैं, हम रॉ मटेरियल्स निकालते हैं, फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, इन सारे कामों को हम जो करते हैं वो हम करते हैं उस वो कहलाती है हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. मतलब कि नेचुरल सोर्सेज से जो हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं वो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आती है. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री नाम से ही समझ आ रहा है, जिसमें कंस्ट्रक्शन होती है. तो ये एक पर्टिकुलर अलग इंडस्ट्री होती है जिसमें हम रोड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, ब्रिजेस का, डैम्स का, इन सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करते हैं. तो ये सारी इनसे रिलेटेड इंडस्ट्री होती है. तो कुछ सारी अलग अलग इंडस्ट्री होती है और उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं. अब लास्ट हमारी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली हमारी वही होती है जहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है गुड्स का इनटू न्यू प्रोडक्ट. मतलब कि इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बेसिकली हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर जैसे कि कोई भी गुड़ हम लेके आ रहे हैं उसको एक नए गुड़ में ट्रांसफ़र करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बिजनेस एज अ सिस्टम. अब बिजनेस एज अ सिस्टम क्या होता है, द सिस्टम हेल्प्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल. कोई भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा जो मेन काम होता है हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, कौन सी हमें सिचुएशन का किस तरह से हमें फ़ायदा उठाना है, ये सारा एक सिस्टम की हेल्प से होता है. तो बिजनेस एज अ सिस्टम का मतलब यही होता है कि हम जब बिजनेस कर रहे हैं उसको एक एज अ सिस्टम करें ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. अ बिजनेस सिस्टम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज, पर्सोनल इक्विपमेंट टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हम सारी चीज़ों को कॉम्बिनेशन बना के अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. बिजनेस सिस्टम डिसाइड्स हाउ डाटा मस्ट बी हैंडल एंड इज प्रोसेस्ड. बिजनेस सिस्टम ही डिसाइड करता है कि कैसे हमारा डाटा प्रोसेस्ड होगा, कैसे हमारा डाटा हैंडल होगा. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव. ऑब्वियसली बात है, जब हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस का यही होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना. मतलब कि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अपना करना ही करना है अपने बिजनेस के अंदर. सर्वाइवल, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है. हम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ये सोच के नहीं स्टार्ट करते कि हम इस बिजनेस को सिर्फ एक महीने चलाएंगे या फिर एक साल चलाएंगे. हम अपने सर्वाइवल कंटिन्यू करते रहना चाहिए मार्केट के अंदर.
नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉफिट सेटिस्फाइंग. प्रॉफिट सेटिस्फाइंग का मतलब क्या होता है, अब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में तो सोच रहे हैं और हमें प्रॉफिट हो भी रहा है, लेकिन हमें वो प्रॉफिट नहीं हो रहा जो हमें सेटिस्फाई कर सके, तो उस प्रॉफिट का क्या फ़ायदा. प्रॉफिट एटलीस्ट हमें इतना होना चाहिए कि हम सेटिस्फाई हो सकें कि हाँ चलो हमारा बिजनेस चल रहा है और साथ के साथ हमें सेटिस्फेक्शन भी हो रही है. लास्ट आता है हमारा सेल्स ग्रोथ. प्रॉफिट भी ज़रूरी है, सर्वाइवल भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ भी ज़रूरी है. अगर हमारा सेल्स उतनी ही रहे जितनी हमारी लास्ट ईयर थी तो उस चीज़ का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा. तो सेल्स में ग्रोथ लाना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बिजनेस एंड इन्वायरमेंट इंटरफेस. बिजनेस एंड इन्वायरमेंट इंटरफेस क्या कहता है, बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ. ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इंटरकनेक्टेड ही होते हैं, क्योंकि बिजनेस के बिना इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल अधूरा है और इन्वायरमेंट के बिना बिजनेस अधूरा. नाउ नेक्स्ट, आज जो हम बिजनेस इंटरफेरेंस होती है वो इन्वायरमेंट में किस तरह से होती है. तो सबसे पहले आता है हमारा बिजनेस एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट. बिजनेस एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमारा एज, जेंडर, स्टेटस एंड इनकम, इनके ऊपर ये हर कंट्री का अलग अलग होता है. तो बिजनेस को इनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है, इनके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में इन्वॉल्व करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज बिजनेस एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीज़ें होती है. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, जो हमारी पॉलिसीज चेंज होती हैं. अगर हमारी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी किसी कंट्री की किसी और तरह से है, किसी की किसी और तरह से है, और अगर टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो उसका भी डायरेक्ट असर हमारे बिजनेस पे होता है. नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का कैसे इंटरफेस है, बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड हो गई, लेकिन अगर बिजनेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो उस टेक्नोलॉजी का वो पूरी तरह यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और जो बिजनेस है वो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी. नेक्स्ट आता है हमारा बिजनेस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट. हम अपना बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम नेचुरल इन्वायरमेंट को निगलेक्ट कर रहे हैं या फिर पोल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे बिजनेस पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा. बिजनेस एंड कल्चरल इन्वायरमेंट. बिजनेस एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का भी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कनेक्शन है, क्योंकि जो हम बिजनेस करते हैं वो हम अपना कल्चर देख के भी करते हैं और सामने वाले जो हमारे कस्टमर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के हैं, तो हम हर किसी का कल्चर देख के अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, कॉमर्स एंड ट्रेड. ये बहुत ही सिंपल हमारा जो डिफरेंस है मैंने वो लिया है. तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. बिजनेस में क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. कॉमर्स में उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ट्रेड में वो हमारा आता है बाइंग और सेलिंग में. कैपिटल कितनी कितनी लगती है आप तीनों में, बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगती है, कॉमर्स में लेस कैपिटल लगती है. इन्वेस्टमेंट जो हमारी बिजनेस है उससे कम होते हैं, क्योंकि बिजनेस में हमें पूरा सेटअप करना होता है और कॉमर्स में हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होते हैं कंपैरेटिवली बिजनेस से. ट्रेड में हमें क्या होता है, हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, हमारा किस तरह का नेचर बिजनेस है, छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे है, किस तरह की हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, तो वो हमारा उस पर अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, डिमांड अगर हमारी कम है कस्टमर की तो हमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी. नेक्स्ट आता है हमारा स्कोप. अब बिजनेस का जो स्कोप है वो प्राइमरी में भी है, सेकेंडरी में भी है, और सर्विस इंडस्ट्री तीनों में है. कॉमर्स का स्कोप ट्रेड में, अगर ट्रेड नहीं होगी तो कॉमर्स कैसे होगी, क्योंकि ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगी जब बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपरली कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे. और ट्रेड में हमारा क्या होता है, ये होम ट्रेड भी होता है और फॉरेन ट्रेड भी होता है. हम अपनी कंट्री के अंदर भी सामान सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और हम किसी और कंट्री में भी सामान सेल और बाय कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट, रिस्क. बिजनेस में हमारा सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, कॉमर्स में हमारा बिजनेस से कम होता है, और ट्रेड में हमारा बहुत कम होता है कंपैरेटिवली इन तीनों के. मैं वैसे नहीं कह रही हूँ कि बहुत अलग अलग तरह के भी रिस्क होते हैं, हर चीज़ में रिस्क होता है रिस्क की बात करें तो, लेकिन अगर हम तीनों का कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क हमारा बिजनेस में होता है. सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट फर्स्ट. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो लेट मी नो योर चॉइस ऑफ टॉपिक विच यू वॉन्ट टू एक्सप्लेन फर्दर. थैंक यू.